गुड मॉर्निंग और नमस्कार आप सभी का आज के इस क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आपका अपना परविंदर सिंह। आज हम 12वीं भूगोल का जो चैप्टर कृषि चल रहे थे उसके अंतिम पड़ाव की ओर हैं और आज इसे हम समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। मैंने बताया भारत में 5 प्रमुख फसलों के बारे में, जिसके बारे में हम लोग गेहूँ, चावल और कपास के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम गन्ना के बारे में पढ़ेंगे। गन्ने में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और ये अनवर्तीय पौधा है। अनवर्तीय पौधा है, ये 20 से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर तक में रहने वाला पौधा है। भारत का गन्ने उत्पादन में विश्व में पहला स्थान है और भारत के साथ ब्राज़ील का भी पहला स्थान है। और जो भारत में कुल गन्ना उत्पादित होता है उसका 70% गन्ना उत्तर भारत में पैदा होता है। गन्ना एक अनवर्तीय पौधा है, ये 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाला पौधा है। इसके लिए औसत 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ये उत्तर भारत में प्रमुखता से होता है। इसके लिए दोमट, गहरी चिकनी मिट्टी और लावायुक्त मिट्टी उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इसकी जो भौगोलिक दशाओं में हम लोगों ने पढ़ा, गन्ना की मिठास तमाम, अगर तापमान समान रहता है तो गन्ने में मिठास की मात्रा बढ़ जाएगी और अगर तापमान समान नहीं रहेगा तो उसमें मिठास की मात्रा कम रहेगी। और हम लोग जानते हैं कि भारत में गन्कुन उत्पादित गन्ने का 40% तो हम क्या करते हैं, गुड़ बनाने में, और 60% का उपयोग 50% का चीनी बनाने में और 10% अन्य कार्यों में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक को, अगर 3 स्टेटों को मिला दिया जाए तो भारत के कुल गन्ना उत्पादन का 73% गन्ना इन्हीं राज्यों में पैदा होता है। उत्पादन और वितरण उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल, कर्नाटक, आंध्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ भाग, यहाँ गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ने का जो उत्पादन होता है, गन्ने में प्रमुख जो समस्या आती है गन्ना उत्पादन वाले किसानों को, नंबर एक तो जो उत्तर भारत में गन्ना होता है वह गर्मी अधिक पड़ने के कारण उसमें रस की मात्रा कम होती है। दूसरा, किसान उन्नत तकनीक का इस्तेमाल आज तक भी नहीं कर रहा है। तीसरा, फसल का उचित मूल्य किसान को नहीं मिलता। और चौथा, मौसम की मार गन्ने पर उत्पादन पर पड़ती है, इसलिए ये परेशानियों का सामना किसान को गन्ना उत्पादन के लिए करना पड़ता है। उसके बाद आता है भारत की प्रमुख अन्य फसल जो है वो चाय। चाय वास्तव में भारत का पौधा नहीं था, इसको अंग्रेज लोग प्रैक्टिकल करने के लिए यहाँ भारत में लाए और लाने के बाद वो यहाँ सफल रहे तो उन्होंने इसके बागान पहली बार असम के क्षेत्र में शुरू किए। ये एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर के बीच रहने वाला पौधा है। इसके लिए औसत 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है और प्रातःकाल जो धूप पड़ती है उसको इससे पौधे में ज़्यादा निखार आता है और इसकी उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। इसके लिए गहरी और गंधक युक्त मिट्टी उपयोग में है। ये मुख्यतः इसका जो मुख्य उत्पादन क्षेत्र है वो असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल है। अन्य प्रदेश हिमाचल, उत्तराखंड का देहरादून या कर्नाटक के कुछ भागों में भी चाय का उत्पादन होता है। भारत का चाय उत्पादन में भी विश्व में पहला स्थान है, लेकिन भारत आयात करने में श्रीलंका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद आती है ट्रक फार्मिंग और सब्जियां। ट्रक फार्मिंग, हम जानते हैं कि जैसे जैसे बड़े महानगरों का विकास हुआ है उसी तरह धीरे धीरे वहाँ उनको फसलों, सब्जियों की या अन्य चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए ऐसी सब्जियां दूर क्षेत्र में उगाई जाती है और उसको ट्रक के माध्यम से या किसी लोडिंग के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जाता है, उसको ट्रक फार्मिंग कहा गया है। तो इस वर्ष में 3 से 4 सब्जियां हम ले सकते हैं वर्ष के एक वर्ष में। तमिल, महाराष्ट्र, बंगाल ये प्रमुख क्षेत्र हैं तम सब्जियों के। कुछ भाग पंजाब में, हरियाणा में भी सब्जियों की खेती होती है। सातवां, फलों की कृषि। फलों की कृषि में हम लोग सबसे पहले सेब की बात करें, अखरोट की बात करें या बादाम की बात करें तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में देखना पड़ेगा, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल में जो हिमालय पर्वत क्षेत्र में श्रृंखला में वहाँ खेती होती है। उसके बाद पूर्वोत्तर, जो आंध्र प्रदेश है, जो पूर्वोत्तर के आंध्र प्रदेश हैं जैसे मणिपुर है, नागालैंड है, वहाँ भी कुछ बागवानी युक्त फसलों का उत्पादन किया जाता है। वहाँ जैसे मुख्य आम, केला है, जैसे हिमालय का मैंने बताया सेब है, नाशपाती, लीची, अंजीर, ये तो हिमालय की थी। पूर्वोत्तर आंध्र प्रदेशों में केला, आम, अमरूद प्रमुख रूप से होता है। शुष्क और
प्रदेश है इसमें जैसे पंजाब राजस्थान उत्तर प्रदेश है यहाँ आम जामुन मौसमी माल्टा किन्नू अंगूर बेर पपीता इसका उत्पादन होता है और तटीय दक्षिण प्रदेश है दक्षिण प्रदेश में जैसे महाराष्ट्र आता है केरल है तमिलनाडु है आंध्र प्रदेश है इसमें आम संतरा केला अनानास नारियल आदि होते हैं और जो तटीय प्रदेश है वहाँ पर मुख्य रूप से नारियल केला संतरा होते हैं। तो ये थी भारत की जो फसलें थी जिनके बारे में हमने पढ़ा। भारत एक कृषि प्रधान देश था, हमने भारत में कृषि प्रधान की समस्याएं गुण विशेषताएं बहुत उत्पादित होने वाली फसलें उन सब के बारे में पढ़ा। तो इस दृष्टि से ये लेसन आज हमारा समाप्ति की ओर जा रहा है। इस लेसन को करने के बाद भारत के कुछ क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन भी होता है और सब्जियों के उत्पादन में भी भारत विशेष महत्व रखता है। जैसे भिंडी है कद्दू है तुरई है मूली है गाजर है लौकी गोभी टमाटर मटर पालक मेथी चुकंदर शलजम रतालू जमीकंद फलियां करेले बैंगन आलू प्याज लहसुन धनिया पुदीना पत्ता गोभी जैसी अनेक सब्जियां लगभग सभी जगह उगाई जाती है और वहाँ से नगरों तथा ट्रकों के माध्यम से पहुँचाई जाती है।